Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों आज हम chapter number 12 यानी banking in India को continue करने के लिए आ रहे हैं. Last कुछ classes के अंदर हमने ये वाले topics कर लिए थे. आप कहोगे कि सर ये topic ऊपर नीचे क्यों है? वो इसलिए है because क्योंकि यहाँ पर कोई sequence नहीं है. आज की class का जो हमारा main target है वो है NPA. मैं आज आपको NPA के बारे में पूरी knowledge देने वाला हूँ. यानी NPA और stress assets क्या होते हैं. NPA बहुत ही important topic है. ये real life की banking terminology में बहुत काम आता है. ठीक है, लेकिन अगर आप सीधा बुक से पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसके शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाए हुए. ठीक है, चलो जहां पर हम पढ़ेंगे अपने पास एनपीए के बारे में. चलो यहां देखना, अगर आप इनको भी सीधा पढ़ोगे तो हो सकता है अभी उतना भी क्लियर ना हो, इसलिए मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा. जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं ना तो चीजें हमारे लिए थोड़ी ज्यादा सिंप्लीफाई वे में हो जाती है. अब सुनो मेरी बात को, एग्जांपल सुनना. एग्जांपल अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो समझो एनपीए खत्म आपका. एनपीए में कुछ नहीं रह गया, फिर कुछ भी बस थ्योरेटिकल पार्ट रह जाएगा. देखो मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की. ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पर इस जगह पर से लेकर यहाँ तक ये होता है पूरे साल के 12 महीने. ठीक है, लेट सपोज ये 12 महीने होते हैं. यहाँ पर किसी एक पर्सन ने लोन लिया, यहाँ पर किसी एक पर्सन ने लोन लिया, वो है 1,20,000 रुपये का. ठीक है, बैंक से, लेट सपोज SBI बैंक से उसने इस तारीख यहाँ पर लोन लिया और ये जो तारीख है दैट इज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2021. ठीक है, 1 जनवरी 2021 को उस पर्सन ने SBI बैंक से क्या लिया, 1,20,000 का लोन लिया. जब उसने लोन लिया तो उसकी किस्तें बन गई. किस्तें क्या बन गई कि बैंक वालों ने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि अब आप जो लोन लिया उसके एक ही महीने बाद आप पेमेंट करना शुरू कर दो. कब तक पेमेंट करना, आप एक काम करो पूरे साल पेमेंट करते रहना है, यानी कि हम आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बना देते हैं 10,000 रुपये की. हर इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की प्लस इंटरेस्ट. ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ये आपको पे ऑफ करना है. तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं. अब क्या हुआ, इस पर्सन ने पहले महीने की पेमेंट दे दी. मतलब जो पहला आपका महीना आया ये आपका आएगा जनवरी मंथ. ठीक है, इसने फरवरी मंथ की भी पेमेंट दे दी, इसने मार्च मंथ की भी पेमेंट दे दी, फिर आया अप्रैल मंथ की भी पेमेंट दे दी, फिर आया मई मंथ की भी दे दी. लेकिन जैसे ही जून आया इसने जून की पेमेंट नहीं की. इसने पेमेंट जून की नहीं की, मतलब उसने जैन की पेमेंट कर दी, फैब की, मार्च, अप्रैल, मई की भी पेमेंट कर दी, लेकिन जैसे ही जून आया इसने पेमेंट नहीं की. वो कोई भी रीज़न हो, मुझे नहीं पता है, ये जानबूझ के नहीं देना चाहता या क्या इसके पीछे का रीज़न है, बट इसने बस पेमेंट नहीं की, मुझे इतना पता है. ठीक है, बैंक की जो पेमेंट थी वो इसने नहीं की. अब जैसे ही जून आया इसने बैंक की पेमेंट नहीं की तो बैंक वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होगी इसके चलते इसने पेमेंट नहीं किए. तो बैंक वालों ने देखा इसने पेमेंट जैसे जून के महीने की नहीं की, तो एक तरह से जून में कितने महीने दिन होते हैं ये बताओ, 30 डेज होते हैं. इसका अगला महीना आया जुलाई का, जुलाई में होते 31 दिन, अगले महीने की भी पेमेंट नहीं की. जब अगले इसकी नहीं की तो अल्टीमेटली जून की भी नहीं की होगी. फिर अगला महीना आया अगस्त का, अगस्त में कितने दिन होते, 31 डेज. तो कुल मिला के अगर हम डेज देखें तो ये कितने बन गए, एक तरह से 92 डेज बन गए. कितने डेज बन गए, 92 डेज. बैंक वेट कर रही थी कि भाई साहब हो सकता है मई के बाद से इसे कोई दिक्कत आ गई हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोन पेमेंट दे देगा, लेकिन ये अब पेमेंट देने को राजी नहीं हो रहा. करते 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 90 दिन से ज़्यादा हो गए, मतलब 92 डेज हो गए, मैं इसको बोल देता हूँ 90 दिन. ठीक है, करते करते 90 दिन हो गए, इसने अभी तक पेमेंट का नाम नहीं लिया. तो बैंक को लगा भाई साहब देर इज़ समथिंग पर्पल इन द दाल, दाल में कुछ पर्पल है भाई, आपकी दाल में काला होता है, मेरी दाल में तो पर्पल होता है. बैंक ने बोला भाई दाल में कुछ पर्पल है, कोई ना कोई दिक्कत है. अब जब 90 दिन तक पैसा नहीं मिला तो बैंक ने इसको कॉल करके पूछा क्या भाई साहब क्या बात हो गई, लोन क्यों नहीं देना चाहते. तो उसने कहा कि भाई साहब आप भूल गए हो मेरा नाम क्या है. उसने कहा कि तुम्हारा नाम XYZ है. बोला तुम जानते हो मैं किसका भाई हूँ. बोला किसका भाई, विजय भाई का. विजय भाई बोला विजय माल्या का, मैं विजय माल्या का भाई हूँ. बैंक वालों ने फ़ोन वहीं रखा, बोला हो गया बेड़ा गर्क. मतलब क्या कि अब जब तक इसके 90 दिन तक इसको पैसे नहीं मिले, जैसे ही 91 डेज आएगा, 91 डेज का मतलब अब आप ये लगाओ कि ये 30 दिन, ये 31 दिन, यहाँ पर आप मान के चलो 29 दिन, 29th ऑफ अगस्त को एक तरह से 90 दिन हो जाएंगे. जैसे 30 अगस्त होगा ये लोग उसको डाल देंगे NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर. यानी ये वो एसेट्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहा. परफॉर्म का मतलब होता है कि जिस पर पेमेंट 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक नहीं आई है, तो वो सीधा किस खाते में डाल दिया जाता है, NPA में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि सर ये एसेट्स क्या होता है. देखो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं एसेट्स का मतलब क्या होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बट हो सकता है आप में से कॉमर्स वाले ना हो तो मैं आपको बताता हूँ एसेट्स का मतलब क्या होता है. एसेट्स हर वो चीज़ है जिस चीज़ पर मेरा राइट हो, एक्सक्लूसिव राइट हो, उसे तोड़ने का, फोड़ने का, उसे इंटरेस्ट कमाने का, उससे पैसे कमाने
मानेगा, अगर ये एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है तो वो चीज़ मेरे लिए क्या कहलाती है, मेरे लिए कहलाती है वो एसेट्स। जैसे सपोज ये पायलट V7 में पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, ब्लैक और ब्लू कलर का ये पेन, क्योंकि मैंने खुद ने खरीदा है, तो इस पेन को तोड़ू मोड़ू, इस पेन को बेचकर पैसे कमाऊँ, जो भी है वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है। तो ये पेन मेरे लिए क्या है, मेरी एक संपत्ति है। प्रॉपर्टी क्या है, मेरे लिए एक संपत्ति है अगर उसका मालिक मैं हूँ तो। इसी तरह से जो बैंक होती है, ये बैंक क्या करती है, ध्यान देना, मैंने आपको डे वन सिखाया था, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु टेक्स मनी एज अ सेविंग। ये पब्लिक से, पब्लिक का पैसा उधार लेती है सेविंग के रूप में, और यही पैसा आगे बोरो यानी लेंड कर देती है लोन के रूप में किसी थर्ड पार्टी को, तो बैंक बीच में पैसा कमा लेती है। अच्छा, बैंक के पॉइंट ऑफ सोचो कि बैंक ने जो सेविंग से पैसा लिया है, कल को ये इसको वापस विद इंटरेस्ट के साथ करेगा नहीं करेगा, तो बैंक के लिए क्या हुआ, एक सिरदर्द हो गया, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी, दिस सिरदर्द इज कॉल्ड लायबिलिटी। अच्छा, यही पैसा बैंक ने आगे फर्दर लोन के रूप में दे दिया, तो बैंक के पास राइट है कि इस बंदे को बोले भैया इंटरेस्ट दो, भैया मेरा पैसा मुझे वापस करो, तो यही चीज़ बैंक के लिए क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। यानी बैंक के लिए दिया हुआ लोन क्या है, एसेट्स, और जो आई हुई सेविंग्स है वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। याद रखना, हमारे जब हम अपनी बात करते हैं तो उल्टा होता है, हमारे लिए सेविंग होता है एसेट्स, हमारे लिए लोन होती है लायबिलिटी, लेकिन बैंक के लिए लोन देना, लोन से एडवांसेस देना, उसके लिए एसेट्स होता है, और बैंक के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा लेना, उसके लिए लायबिलिटी होता है। तो अगर कोई एसेट्स उसे नहीं मिल पा रहे हैं 90 दिनों तक, तो वो एसेट्स क्या बन जाते हैं आपके, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। इसमें मैं तीन भाइयों का एग्जांपल दूंगा, भाइयों नहीं मतलब हम उन्हें प्यार से भाई बोलेंगे, जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, नीरव मोदी, विजय माल्या और एक मेहुल चौकसी। आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा, आज मैं भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। सुनो, अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टर्मिनोलॉजी, आपको मैंने एनपी का छोटा सा मीनिंग समझाया, पहले ये समझ आया, थोड़ा सा दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बना, एनपीए क्या होता है, बन गया ना। चलो अब जरा इसको पढ़ते हैं, यहाँ से देखो क्या लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, साफ साफ लिखा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जब कॉमर्शियल बैंक किसी थर्ड पार्टी को लोन्स एंड एडवांसेस देती है, ठीक है, तो एक तरह से आरबीआई ने अपने पैसा लैंड कर दिया एक थर्ड पार्टी को, तो आरबीआई के लिए क्या हो गया, एसेट्स, जिसमें आपका टर्म लोन आ सकता है, कैश क्रेडिट आ सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आ सकता है, बिल का डिस्काउंट करवाना आ सकता है, ये सारे आपके लोन्स एंड एडवांसेस हैं, ठीक है। अब जो बैंक ने किसी को पैसा उधार दिया, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है, बैंक की क्या है, एसेट्स है। अब एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब तक एक पर्सन अपनी लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पर कर रहा था, तब तक वो क्या था, परफॉर्मिंग एसेट्स। जब तक मिस्टर ए जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट वो पे कर रहा था सूद समेत, तो ऐसे में वो क्या कहलाता था, पीए, परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स है जो अभी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने देना बंद कर दिया, ये एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये बन गया फिर आपका एनपीए। क्या बन गया, एनपीए। तो एसेट्स की दो कैटेगरी होती है आपकी, पीए और एनपीए, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, अगर टाइमली बेसिस पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू होते हैं और टाइमली आपको रिसीव भी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, कि अगर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद भी बैंक को रिसीव ना हो, जैसे मिस्टर ए के केस में था, ड्यू हो गया था लेकिन वो देने को राजी नहीं हो रहा था, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बोलो क्लियर हुआ, यस सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका एनपीए है ना, इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस एनपीए को भी हमने अपने पास तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है आपका सब स्टैंडर्ड, एक है आपका डाउटफुल, और एक है आपका लॉस एसेट्स। एक क्या है आपका, लॉस एसेट्स, यानी कि एनपीए को भी हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे ही आपके 90 दिन बीते, तो देखो 90 दिन बीत जाने के बाद हमने इसको किस में डाल दिया, एनपीए में डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने एनपीए में डाला उसके बाद भी बैंक कोशिश करती है, फ़ोन कर करके उसको इंटीमेट करती है कि भाई ऐसा है, देखो वैसे तो तुम्हारा एनपीए हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम परफॉर्मिंग एसेट्स बना सकते हैं अगर तुम हमें अब पैसा दे दो। अगर मान लो ये व्यक्ति, इसके जैसी 90 दिन पूरे होते हैं, जैसे 29 अगस्त को इसके 90 दिन हो जाते हैं, उसके बाद जैसे 30 अगस्त आता है एनपीए बन जाता है, 30 अगस्त को एनपीए बन जाता है, 30 अगस्त से लेकर एक साल तक, याद रखना 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बात नहीं कर रहा, 30 अगस्त से लेकर अगले एक साल तक अगर ये पैसा दे देता है तो अच्छी बात है, और अगर ये पैसा नहीं देता, 90 दिन भी क्रॉस हो गए और एक साल भी क्रॉस हो गया है, मतलब एक साल होने के लिए, मतलब जहाँ पर आपके 90 डेज
से ज़्यादा हो गया, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, और लेकिन एक साल नहीं हुआ अभी पूरा, तो इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। है ये अभी भी एनपीए, लेकिन एनपीए में भी कौन सी श्रेणी में डाला गया, सब स्टैंडर्ड श्रेणी में डाला गया। देखो 90 दिन तक तो आप उसे कहीं भी नहीं डालोगे, 90 दिन तक तो वो आपका एक तरह से परफॉर्मिंग एसेट्स होगा, जैसे ही 90 दिन क्रॉस होगा वो क्या बनेगा, एनपीए, और एनपीए में भी क्या बनेगा, सब स्टैंडर्ड। क्या बनेगा, सब स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी 90 दिन पूरे हो गए और अभी एक साल नहीं हुआ है, तो इसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, यानी अभी उसने एक साल तक अगर पेमेंट नहीं की तो वो कहलाता है सब स्टैंडर्ड। लेकिन मान लो उस व्यक्ति ने एक साल भी गुजर चुका है पूरा पूरा, एक साल गुजर चुका है पूरा पूरा और अभी तक नहीं दिए, तो वो क्या बन जाता है, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब है अब तो भैया डाउट है कि ये बंदा पैसा देगा या नहीं देगा। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जनरली बैंक्स की ऑडिट पे जाता हूँ, ये जो अप्रैल और मई का मंथ होता है ना, इसमें हमारे बैंक ऑडिट्स होते हैं, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो उसके बाद बैंक ऑडिट शुरू हो जाती है। तो जब बैंक ऑडिट पे जाते हैं, तो जब हम ऑडिट करते हैं, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जब वो ऑडिट करता है, तो वो ऑडिट करते टाइम ये देखता है कि कौन सा एनपीए है। अगर एनपीए काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो सीए खुद भी अपनी जजमेंट के हिसाब से बोल देता है कि भाई अब ये एनपीए जो है ना, जो आपने अभी डाउटफुल बना रखा है एक साल से ज़्यादा हो गया, हमें लगता है इसकी कंडीशन देख के ये आपको पैसा नहीं देगा। जिस दिन किसी सीए ने या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने या बैंक के डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि भाई साहब इस डाउटफुल का कोई इलाज नहीं है, अब इसको कहां डाल देना चाहिए, लॉस एसेट्स में, यानी ये अब पैसा मिलने के 0% चांस है, ये पैसा मिलने के क्या है, 0% चांस है, यानी जैसे ही वो लॉस एसेट्स के अंदर आएगा, तुरंत अब उसने जो सिक्योरिटी रखवाई है उसको बेचना शुरू कर देगी बैंक, ताकि वसूली कर पाए, यहाँ से वसूली होना स्टार्ट होए जैसे ही वो लॉस एसेट्स बनेगा। देखो डाउटफुल तक बैंक कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो क्या बनेगा, लॉस एसेट्स बनेगा, वो रिकवरी प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर देगी, मतलब वो वसूली के लिए बंदे भेजेगी या फिर जो उसके एसेट्स हैं उनको अटैच करना शुरू कर देगी। तो आपको समझ आ गया, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बार उसको पूरा मैं समराइज करता हूँ। मैंने भी आपको एक बात बताई कि बैंक की दो चीज़ होती है, तो एसेट्स या लायबिलिटी। बैंक के लिए जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा, ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और बैंक जब वो पैसा लेंड कर देती है तो वो बैंक की क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। अगर उस एसेट्स का पैसा उसे मिलता रहता है, यानी टाइम पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है ड्यू होने के बाद, तो वो बनती है आपकी परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन अगर वो पैसा आपको टाइमली नहीं मिलता है, तो वो बन जाती 90 दिनों के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी देखो यहाँ पर जून मंथ में पैसा नहीं मिला, क्या ये एनपीए बना, नहीं बना। जुलाई मंथ में एनपीए बना, नहीं। अगस्त की 30 तारीख से पहले तक एनपीए बना, नहीं। लेकिन जैसे 90 दिन हो गए इसकी नॉन पेमेंट की, याद रखना एनपीए तब बनता है जब नॉन पेमेंट के 90 दिन हो जाते हैं, तब जाके वो एनपीए बनता है। यानी 30 अगस्त को वो क्या बन गया, एनपीए बन गया। और एनपी में भी तीन श्रेणी होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड के अंदर 90 दिन से ज्यादा और एक साल तक के लिए डाला जाता है, और अगर एक साल तक उसने पेमेंट नहीं किए कहां से, 30 अगस्त से एक साल तक, तो वो बन जाता है डाउटफुल। और इसके बाद अगर कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर उस डाउटफुल को कहता है कि हाँ ये पैसा मिलने वाला नहीं है, तो बन जाता है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स का कोई ईयर नहीं है, ये डिपेंड करता है जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं इस बारे में। बोलो क्लियर हुआ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। आओ देखो दोबारा से देखना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कॉमर्शियल बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देती है, वो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। अगर एसेट्स का पैसा टाइम पर मिलता है तो वो परमानेंट परफॉर्मिंग एसेट्स है, और अगर पैसा टाइम पर नहीं मिलता तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। वही लिखे, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद भी बैंक को पैसा ना मिले तो वो क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। फिर नॉन परफॉर्म मतलब एनपीए को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड में 90 दिन से ज्यादा लेकिन एक साल तक के लिए, डाउटफुल में एक साल से ज्यादा के लिए, और लॉस एसेट्स में कोई ऑडिटर या आरबीआई का ऑफिसर कोई भी बंदा अगर ये बोल देता है कि हाँ इसको डाउटफुल को कन्वर्ट कर दो लॉस एसेट्स में, तो उसको हम लॉस एसेट्स में डाल देते हैं। यानी अब भाई सर रिकवरी का काम, इसकी प्रॉपर्टी सील करो, इसकी प्रॉपर्टी बेचना शुरू करो, इसके खिलाफ केसेस फाइल करना शुरू कर दो, क्रिमिनल केस वगैरह, मतलब क्रिमिनल भी बोलेंगे लेकिन हाँ कोर्ट में जाके अब इसे घसीटना शुरू कर सकते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जो बैंक होती है ना, वो एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। देखा गया कि 1991 के बाद जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वाइड अप होने लगा, मतलब अब जो ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सपोर्ट चैनल के थ्रू ही होने लगे। एनपीए कहा जाता है एक बैड लोन होता है बैंक के लिए, जो कि 90 दिन तक नहीं मिलता तो उसे क्या बना देते हैं, एनपीए बना देते हैं। एनपीए एक ऐसा लोन या एडवांसेस है जहां पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाता है 90 दिन से भी ज्यादा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता, तो वो बन जाता है आपका एनपीए। बैंक 90 दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा, लेकिन जब 90 दिन के बाद वो पैसा नहीं देगा तो इंटरेस्ट चार्ज करना बंद कर देगा, एक्रुअल बेसिस पर वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि अब वो क्या बन गया, एनपीए। याद रखना एनपीए पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, 90 दिन तक इंटरेस्ट चार्ज हो उसके बाद क्या फायदा इंटरेस्ट चार्ज करके जब सामने वाला दे ही नहीं रहा, ये सोच के। देखो अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 90 दिन के बाद एनपीए बन जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसानों की, अब किसान लोग क्या होते हैं, जब ये लोन लेते हैं तो इनके पास रबी और खरीफ की फसल होती है। कुछ किसान शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कुछ किसान लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। जो किसान शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, अगर वो लोन का अमाउंट अगली दो फसलों तक ना दे पाए,
दो फसल के जो सीजन होते हैं ना, दो क्रॉप सीजन होता है, अगर वहां तक पेमेंट ना दे पाए तो इनके लिए क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। और यही किसान अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन लेता है और अगर एक फसल के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर पाता, यानी फसल पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, फसलों के ऊपर होती है कब उसकी उगाई और कटाई होगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर वो एक सीजन तक भी पैसा नहीं देता, अगले एक सीजन तक, तो वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। वही लिखा हुआ है, द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू टू क्रॉप सीजन, ध्यान देना टू क्रॉप सीजन किसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और एक क्रॉप सीजन है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्लियर हुआ। तो क्या बन जाता है आपका, एनपीए बन जाता है। यानी कुल मिला के आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एनपीए का बनता है नॉर्मल केस के अंदर अगर 90 दिन तक पेमेंट ना मिले तो, दूसरे केस के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी क्या है, 90 दिन तक अगर पेमेंट ना मिले तो वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। और एग्रीकल्चर के केस में अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया तो अगली दो क्रॉप तक अगर पेमेंट ना मिले तो एनपीए बन जाता है, और लॉन्ग टर्म के केस में अगर एक क्रॉप तक पैसा ना मिले तो वो आपका एनपीए बन जाता है, ठीक है। अब एनपीए अगर ज़्यादा होता है तो इससे एक बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कि अब उसको उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लॉयर वगैरह एडवोकेट केस वगैरह फाइल करना पड़ेगा, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे बैंकों की नेटवर्थ कम हो जाती है। हमने पिछले रिकॉर्ड्स के अंदर देखा कि बैंकों का जो एनपीए है वो कहीं ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर एनपीए होता क्यों है। एनपीए होने के पीछे मार्केट का फेल हो जाना, मार्केट में मान लो किसी ने पैसे लगाया, उसका पैसा डूब गया, तो वो क्या बैंक को ब्याज वगैरह दे पाएगा। विंडफॉल डिफॉल्ट हो गया, अचानक से बूम पीरियड आया, खूब सारा रेसेशन आ गया, पुअर फॉलोअप सुपरविजन, बैंक सुपरवाइज ही नहीं कर पा रही हमें किसे लोन देना है किसे नहीं देना, नॉन कॉर्पोरेशन फ्रॉम बैंक, बैंक को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो अपने काम काज में ढील करती है, जिसके चलते एनपीए बन जाता है। पुअर लीगल फ्रेमवर्क, हम उन्हें लीगल फ्रेमवर्क में बांधते नहीं, उन्हें बताते नहीं अगर तुमने कल को लोन नहीं लिया तो यही हो सकता है, हम कहते हैं अरे नहीं भाई लोन लो लोन लो लोन लो। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, मतलब बैंकों के पास वो स्किल नहीं है कि वो पैसा अपना निकलवा पाए। डिवीजन ऑफ फंड, मतलब ये सारे रीजन जिनके चलते एनपीए क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटी सी प्रॉब्लम क्या आई, लेकिन प्रॉब्लम से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ क्या है कि हमारे कुछ भाई लोग हैं, देखो पहले तो ये है, ड्यू डेट के बाद भी अगर बैंक 90 दिन तक पैसों को वेट करती है जिससे रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं। नीरव मोदी के केस में देखो, मेहुल चौकसी के केस में देखो, इन दोनों ने पीएनबी का घोटाला किया था 11,000 करोड़ का। ये विजय भैया ठीक है, विजय माल्या, इन्होंने 9,000 करोड़ का अकेले लो किया था। ये बिगेस्ट स्कैम है अभी तक के एनपीए के अंदर, इनके एनपीए थे तब 2018 में आरबीआई की गाइडलाइन निकाल गई। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ध्यान से सुना, वो राज की बात क्या, ध्यान से आराम से, वो राज की बात ये है, आरबीआई ने कहा कि भाई देखो हमें अपने सिस्टम में ना एक लूप होल नजर आ रहा है। लूप होल क्या नजर आ रहा है, जैसे यहां पर इस केस में देखो, इसने जून को पेमेंट नहीं की, जुलाई को पेमेंट नहीं की, हमने 90 दिन तक इसका वेट किया कि पहले ये 90 दिन वेट करते हैं ये पैसा देगा या नहीं देगा। फिर 90 दिन हो जाने के बाद हमने इसको किस में डाला, एनपी में, और एनपी में किस में डाला, सबसे पहले सब स्टैंडर्ड में। हमने ये 90 दिन क्यों वेट किया भाई, हमने ये 90 दिन क्यों वेट किया, क्यों वेट किया, ये वेट करने के लिए कि हम एनपीए बनाएंगे तो वो एनपीए बन ही जाएगा। आरबीआई को ऐसा रियलाइज़ हुआ भाई 90 दिन तो बहुत ज़्यादा दिन होते हैं ना, हमें बीच में ही कुछ प्रोविज़न बना लेने चाहिए थे, क्यों हम 90 दिन के बाद अचानक से एनपीए डिक्लेयर कर दें, 90 दिन तो सारी गाड़ी सही चल रही है, अचानक से एनपीए डिक्लेयर कर दिया, तो हमें पहले से ही प्रोविज़न बनाने चाहिए। इस बात के को लेकर 2018 के अंदर एक रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट जारी की गई आरबीआई के द्वारा, जिससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी खफा हो गई थी। चलो मैं आपको बताता हूँ वो रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट ये थी, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स रिवाइज फ्रेमवर्क डेटेड फरवरी 2018। इसमें स्ट्रेस एसेट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कहा गया कि देखो ऐसा है, ध्यान से सुनो इसमें क्या कहा गया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ कही गई कि देखो जब इस व्यक्ति ने पैसा देने से मना कर दिया, मतलब पैसा नहीं दे रहा, तो अगर ये अपने पास पैसा जो है 1 से 30 दिन तक, जैसे इसने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट का पहला दिन 1 दिन से लेकर 30 दिन तक अगर ये पेमेंट नहीं करता, देखो मई का था, 1 जून हुई, इसने 1 जून को पेमेंट नहीं किया, मतलब 2 जून तक पेमेंट नहीं की, 1 जून तक का टाइम मिला, 2 जून तक पेमेंट नहीं की, तो 1 से 30 तारीख तक जब इसने पेमेंट नहीं की तो इसको हम SMA में डाल देंगे। SMA का मतलब क्या होता है, स्पेशल मैंशनड अकाउंट। स्पेशल मैंशन अकाउंट का मतलब है ये वो व्यक्ति जिस पर डाउट है, ये आगे जाके कुछ हरकत कर सकता है, तो अगर हम पहले से प्रोविजन बनाएंगे तो हमारी पॉलिसीज भी उसके हिसाब से बनाई जाएंगी, ताकि हम पॉलिसीज को पहले से बना पाए तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि 1 से 30 दिन के बीच में हम इसको कहाँ डालेंगे, SMA में डालेंगे। और मान लो उसने और भी डिफॉल्ट कर दिया, अब उसको डिफॉल्ट करते हुए 31 दिन से लेकर 60 दिन तक हो गए हैं, तो इसको हम डालेंगे SMA 1 में, ये था SMA 0, ये था SMA 1,
ऐसे में वन मतलब और भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ले जाते हैं, लग रहा है कि और नहीं देगा। और अगर मान लो उसे 60 दिन से लेकर 90 दिन तक नहीं दिया तो ये डल जाएगा SMA 2 के अंदर, और जैसे ही 90 डेज को क्रॉस करे ये क्या डल दिया जाएगा NPA के अंदर। यानी आप बोल सकते हो कि NPA से पहले हमने 3 छोटे छोटे अकाउंट बना लिए। अब आप कहोगे सर इन अकाउंट को बनाने का फ़ायदा क्यों, अल्टीमेटली है तो ये भी NPA। बिल्कुल सही का बनाने का ये फ़ायदा है, देखो अगर हम 90 दिन पर यानी 90 दिन के बाद अगर NPA बनाएंगे तो अचानक से हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट से हो जाएगी। बहुत सारे कस्टमर है हमारे, सभी लोगों ने NPA कर दिया तो अचानक से 90 दिन कोई NPA नहीं था, अचानक से 91 डेज ऐसी बैंक का वो पता चला 20,000 करोड़ का NPA खड़ा है, तो इससे बैंकों की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है, बैंकों के ऊपर रिलाई लोग करना कम कर देते हैं। तो ऐसे में RBI की गाइडलाइन के तहत क्या बोलो कि आप प्रोविजन पहले से बनाओ ताकि एकदम से आपकी बैलेंस शीट में NPA रिफ्लेक्ट ना हो। अगर उस व्यक्ति ने 1 से लेकर 30 दिन तक डिफॉल्ट किया है तो इसको आप एक स्पेशल अकाउंट में डालो जिसको बोला गया SMA account 01, और अगर उसने 31 दिन से लेकर 60 दिन तक का डिफॉल्ट किया अभी तक पैसे नहीं दिए तो उसको डालो SMA 02 के। SMA ये था 00, ये था 01, और अगर 60 दिन से 90 दिन तक नहीं दिया तो इसको डालो SMA 2 के अंदर, और जैसी 91 डेज हो उसको डाल दो NPA के अंदर। यानी NPA को और फर्दर डिवाइड कर दिया जिससे बैंक थोड़े और ज़्यादा सतर्क हो गया इस बात को लेकर कि बैंकों को लगने लगा भैया ये दिक्कत कर सकते, तो NPA से पहले ही रिकवरी करना शुरू कर दो। तो ऐसे में कहीं हमारा पैसा जो है ना रिकवर होना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया, जितने भी लोन लेने वाले लोग थे ना जब वो डिफॉल्ट करते थे तो उनके जो पासबुक है उसमें लिख दिया था SMA 00 SMA 01 कुछ टाइम बाद। तो उससे क्या होती थी ना, कल को वो बंदे फर्दर किसी के पास लोन लेने के लिए आते थे तो कोई लोन नहीं देता था उन व्यक्ति को, कहते थे अरे तुम तो ऐसे SMA में डाल दिए गए हो, तो वो लोग बड़े परेशान थे। उन लोगों ने कहा कि इससे तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब हो रही है, RBI ने ये रूल्स लगा के बहुत गलत किया, RBI ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी RBI के अगेंस्ट में केस सुनाया और उन्होंने कहा नहीं RBI ने जो किया वो गलत किया, RBI को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो आप एक काम करो RBI, आप इन सारी चीज़ को हटा के 1 से 30 दिन वाला यानी SMA 01 तो बना सकते हो लेकिन 2 और 3 नहीं, फिर आप सीधा NPA ही बनाना, ठीक है, ऐसा बोला गया। बोलो क्लियर हुआ। और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस एसेट्स, ये जो SMA 01 पहला वाला, इसी को हम अपने पास नाम देते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स, वो एसेट्स जिस पर अभी पैसा मिलना नहीं मिलना शुरू हुआ, ठीक है। आओ वही चीज़ है, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स रिवाइज फ्रेमवर्क 2018। बैंक ने कहा कि भैया लोन को अगर इमीडिएटली हम उसे क्लासिफाई कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस अकाउंट में, स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर। SMA 01 के अंदर 1 से 30 दिन की कैटेगरी के, SMA 01 के अंदर 31 से 60 दिन, SMA 2 के अंदर 61 से 90 दिन, और जैसे 91 दिन आएगा तुरंत उसे NPA में डाल देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था 2 अप्रैल 2019 के अंदर और कहा कि RBI को इस सर्कुलर को वापस लेना पड़ेगा, और सिर्फ वो अपने पास क्या कर, वो इसमें ही बोला है RBI ने अपने पावर का मिसयूज़ किया, ये चीज़ उसके पावर में नहीं है कि वो इस टाइप का कुछ कर सके। इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, आपने लॉ में सुना होगा अल्ट्रा वायरस होता है। अल्ट्रा वायरस मतलब अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई बातों के बियॉन्ड जाकर कोई काम करते हो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। यहाँ पर RBI ने अल्ट्रा वायरस यानी अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अपनी पावर के बाहर जाके ये काम करना शुरू किया, तब उन्हें बोला कि आप SMA 01 बना लो, बाकी और कोई चीज़ मत बनाओ। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको NPA की रिगार्डिंग सारी बातें समझ आएगी, NPA क्या होता है, NPA के में ये चीज़ याद कर लेना, सब स्टैंडर्ड में कितने दिन होते हैं, डाउटफुल में कितने दिन होते हैं और लॉस एसेट्स में कितने दिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा हम बुक से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बुक के अंदर देखें तो मैंने अभी आपको बोला था ना ये वाला टॉपिक है NPA एंड स्ट्रेस एसेट्स, एक मिनट में इसका फोकस सही कर दूँ। हाँ चलो अब जरा इसको देखते हैं, अपने पास पेज नंबर 12.21 मेरी बुक के अंदर ये रहा NPA एंड स्ट्रेस एसेट्स। तो NPA क्या होते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि बैड लोन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो NPA होते हैं ये क्या होते हैं, अगर 90 दिन तक इनका पैसा नहीं मिलता यानी ओवर नॉर्म्स होते हैं, 90 दिन तक पैसा ना मिले तो उसे हम NPA में डाल देते हैं। फिर NPA को देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया, सब स्टैंडर्ड जिसमें क्या होता है 12 मंथ मतलब 1 साल तक, डाउटफुल में मोर देन 1 ईयर, और लॉस एसेट्स में अगर बैंक का कोई इंटरनल एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल ऑडिटर है या RBI का इंस्पेक्टर है अगर वो ये बात बोल दे कि डाउटफुल को कन्वर्ट करो लॉस एसेट्स में तो वो लॉस एसेट्स भी मान लिया जाता है। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी ये सारे आप खुद पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारे पॉइंट हैं,
आप देख लेना, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इनको एनपीओ को रोकने के लिए कई सारी कमेटी चलाई गई है, जिसके अंदर मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, और अपने पास बैंकरप्सी कोड वगैरह चलाए गए, मतलब कई सारे लॉज लेकर आए गए जिससे कि एनपीओ को रोका जा सके। बट आज की क्लास में हम उन्हें नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमने एनपीओ पढ़ लिया, बस दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी, क्या अब हम आगे चल सकते हैं? दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था एनपीए वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप दोस्तों मैं जितना टाइम इस पर लगा रहा हूँ एक एक चीज़ को डिटेल में समझाने के लिए, आपको उसको उससे ज़रूर बेनिफिट पहुँचेगा। ठीक है, तो हमने अभी ये वाले टॉपिक अपने पास कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी दोस्तों आप साथ के साथ करंट अफेयर्स वगैरह भी करते रहना अपने एग्जाम के लिए। अब करंट अफेयर के लिए हमने द हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है, इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। यूट्यूब पर टाइप करोगे तो वो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिस पर हम डेली सुबह 8 से 9 बजे के बीच में एक न्यूज़पेपर डालते हैं, पूरा एनालिसिस 20 मिनट के अंदर कर देते हैं, जिससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप पैरेलली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी इकोनॉमिक्स इजी है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है जैसी सीरीज कंप्लीट हो, हम उसमें एक नए कोर्सेज लेकर आए जिसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजों, आपको उस चीज का बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रखते, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।